नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों से आप लोग वीडियो का वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाया, लेकिन आज इन स्टोन्स की दुनिया का मैं एक बहुत ही खूबसूरत नजराना आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके बारे में मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। उसके बाद में आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक वीडियो इस पर बनाते हैं। तो आज जो हमारे पास स्टोन है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये पहली बात तो ये वीडियो किसके लिए है? वीडियो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, लोगों को फेस नहीं कर पाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, लोगों को मुंह पे उनकी बातें नहीं बोल पाते, खासकर जो बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा मेहनत करते तब भी नंबर नहीं आ पाते, या जो बच्चे पढ़ाई स्टडीज में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आ पाते, तो ये स्टोन उन लोगों के लिए है। और इसका ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, जिनका भी कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है या जॉब में या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल से स्टोन के बारे में, जिसका नाम है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई, जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी सुंदर ये स्टोन है। शाइन देखिए, ऐसे ब्राउन दिख रहा है, ऐसे ये आपको लाइट कलर का दिखेगा। तो ये दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल स्टोन, जिसको हम टाइगर्स आई के रूप में जानते हैं। यहाँ पे आप जितना भी पत्थर देख रहे हैं सब टाइगर्स आई है, छोटे टाइगर्स आई है जो कि रॉ फॉर्म में है, फिर ये बड़े टाइगर्स आई है जो कि टम्बल फॉर्म में है, और ये ब्रेसलेट है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इसकी रियल होने की जांच करें और किस तरह से हम लोग असली टाइगर्स आई को धारण करके क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं या उसको कैसे वास्तु दोष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइगर्स आई क्या क्या करता है, हम सब की लाइफ में क्या क्या चमत्कार कर सकता है या हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। पहली बात तो बाकी जेम स्टोन्स की तरह टाइगर्स आई को पहनने में कोई नुकसान की बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। इसका प्लैनेट जो है मार्स है, जिसको अत्यधिक गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, वो लोग भी इसे पहन सकते हैं, जिससे कि क्या होता है आपके लाइफ में हार्मनी और बैलेंस बना रहता है। ये आपको करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, अगर कोई एक्शन नहीं ले पाते उसकी ताकत देता है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी को इनिशिएट करता है और आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी देता है। तो ये इतना पावरफुल ये स्टोन है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जांच की बात आती है, तो टाइगर्स आई एक बहुत ही पावरफुल रियल टाइगर्स आई की बेनिफिट ये होता है कि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये नुबिडियम मैग्नेट लिया है, कोई भी मैग्नेट लेकर के टाइगर्स आई के कोई भी स्टोन को आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो उससे चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। तो ये इसकी रियलिटी होने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने देखिए एक मैग्नेट पे कितने सारे टाइगर्स आई को चिपका लिया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट अट्रैक्टर होता है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी से हम जाँच करते हैं कि ये रियल टाइगर्स आई है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि आप टम्बल स्टोन भी इस मैग्नेट पे चिपक गया है, दैट मीन्स द टम्बल इज ऑल्सो रियल। मैंने आपके सामने सारे ही रियल स्टोन्स रखे हैं। ये इसकी टेस्टिंग एबिलिटी है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी रियल टाइगर्स आई होगा वो इससे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो थोड़े पॉलिश्ड होते हैं, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक पावर थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन अगर आप रॉ स्टोन्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजीली इस पर स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर। तो टाइगर्स आई को कैसे पहन सकते हैं? टाइगर्स आई को बच्चे भी पहन सकते हैं, खासकर जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते या जिनका ध्यान फोन में ज्यादा रहता है या पढ़ाई नहीं कर पाते, वो लोग भी ये ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इस ब्रेसलेट का वेट के हिसाब से ये आता है। अगर आपको जानना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे कितना वेट का आपको ब्रेसलेट या 6 mm 8 mm के हिसाब से लेना है, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। इसमें भी बीट्स बड़े या छोटे आते हैं, जिससे कि पर्सन टू पर्सन पे ये वेरी करता है। रही बात इस क्रिस्टल की, खास बात क्या है, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से घर में कलेश बना रहता है, हमेशा चिक 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 बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 5 tumbles ले सकते हैं। ठीक है, 5 tumbles ले सकते हैं घर के कोई भी सेंट्रल एरिया में, जहाँ पे घर का सेंटर हो वहाँ पे बोल ले लीजिए। बोल के अंदर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट या
हिमालयन पिंक सॉल्ट जो पिंक कलर का होता है उसमें इन पांच टंबल्स को, ये देखिए मैं दिखा देता हूं, ऐसे पांच टंबल्स को ले लीजिए, प्योर होने चाहिए, रियल होने चाहिए, रियल टंबल्स को ले लीजिए। रियल टंबल्स को लेने के बाद में आप इनको इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका क्या होगा, घर में हार्मनी बनी रहेगी, घर में चिक-चिक बाजी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल दोज हु आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन। जो लोग मूंगा पहनते हैं उन लोगों के लिए तो ये रामबाण इलाज है। अगर मूंगा पहनने वाले जो लोग होते हैं जिनको मार्स की प्रॉब्लम्स होती है, अगर उनके काम बनते बनते रुक जाते हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपने ऑफिस में इसे रेगुलरली पहन के जाएं। रात को सोते वक्त इसे उतार सकते हैं, वैसे आप इसे रेगुलरली पहन के जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे विद इन लाइक फ्यू डेज के अंदर आपको एक वेरिएशन मिलेगा। अब पहले तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसको टाइगर्स आई क्यों बोला जाता है, कि जैसे कि आप स्टोन को देख पा रहे हैं तो इस स्टोन के अंदर टाइगर के अंदर की जो आंख होती है वैसा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। ये नेचुरली ऐसा ही होता है, इसलिए इसको टाइगर्स आई क्यों बोलते हैं। टाइगर्स की आई की खास बात क्या होती है, इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया, टाइगर की आंख एक टक फोकस पे रहती है, अपने शिकार पे रहती है, एक टक अपने फोकस अपने शिकार पे रहती है। उस शिकार की वजह से वो आराम से शिकार कर पाता है, शिकार करने की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और वो अपने जीवन यापन में सक्सेसफुल हो जाता है, शिकार कर पाता है, फोकस कर पाता है। वैसे ही हम भी अपने गोल्स की तरफ फोकस हो जाएं, हम लोग भी अचीवमेंट पा पाएं, हम भी हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएं, टाइगर जैसा कॉन्फिडेंस आ जाए, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाए, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्मार्ट स्टडीज में हेल्प हो जाए। खासकर अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एग्जाम्स की टेंशन होती है कि मेरा फोकस नहीं लग पा रहा है या मेरा दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटक रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट हो जाता है या बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो उस केस में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइगर्स आई को पहन लेना ही चाहिए, क्योंकि टाइगर्स आई को पहनने से ये फ़ायदा होता है कि फोकस एंड स्ट्रेंथ मिलता है। और अगर मान लीजिए आप जिमिंग करते हैं या जिम क्लासेस ज्वाइन कर रखी है लेकिन आपको लग रहा है शरीर में अंदर से ताकत नहीं आ रही है या कुछ ना कुछ वीकनेस लग रही है, या आप रनिंग कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, वहां पर अगर आपको लगता है कि शरीर में कमजोरी आ गई है तब भी इसको धारण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो घर पे रहती है और उनके शरीर में जान पहले से नहीं है, पहले से आप देखेंगे कि पहले से महिलाएं आपकी घर की माताएं बहनें बोलती होंगी आपको कि अभी मेरा शरीर वैसा नहीं रहा या मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, उस केस में भी आपको टाइगर्स आई ही पहनना चाहिए। टाइगर्स आई को कभी भी पहना जा सकता है। इसका बेस्ट डे होता है ट्यूसडे और सैटरडे को पहना जा सकता है, ठीक है। टाइगर्स आई जब भी आप फर्स्ट टाइम धारण करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको टाइगर्स आई को पहले ल्यूक वार्म वाटर हल्का गुनगुने पानी में इसको वॉश कर लेना है ताकि जो भी डेड बैक्टीरियाज हों वो सब बैनिश हो जाएं। फिर आप कोई भी नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं, नॉर्मल ऑयल को हाथ में ले लीजिए, हाथ में लेने के बाद में टाइगर्स आई उसके ऊपर रख दीजिए, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रख दीजिए और उसको रब कर लेंगे। इससे सभी बीट्स पे आपका ऑयल लग जाएगा और आप इसे पहन सकते हैं। इनके पेंडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको ज़्यादा सूट कितना वेट का करेगा वो उस पर निर्भर करता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप जानकारी पाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है तो आप हमें कमेंट्स डालिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल सब्सक्राइबर्स को ही, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को ही हम लोग फ्री कंसल्टेशन देते हैं, जिससे कि वो जान पाते हैं कि उनको कौन से टाइगर्स आई मतलब पहनना चाहिए, कितने वेट का पहनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे सब्सक्राइबर को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही जान लीजिए कि क्या आप टाइगर्स आई पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। खासकर आजकल आपने देखा होगा कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप आपकी शादी हो चुकी है, घर में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, चीज़ें लोग आपकी सुनते नहीं हैं या आपकी बात आप रख नहीं पाते, या आपने मान लीजिए कोई डिसीजन लेना, लेट से घर लेना, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो डिसीजन ना ले पाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा
ड्रॉबैक है, तो उस केस में भी आप टाइगर्स आई को रख सकते हैं। इसकी एक मैं बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने घर में, आपके घर में मनी प्लांट है जो कि आपने घर के सेंटर टेबल पे रखा है या घर के अंदर जो मनी प्लांट है उसके अंदर थोड़ी सी टाइगर चिप्स, ये टाइगर चिप्स आपको इजीली चीपर रेट्स में मिल जाएगी। ये टाइगर चिप्स को आप उस मनी प्लांट में डाल दीजिए, जो भी आपका ब्लॉक्ड मनी है वो धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। आप कोशिश करिए कि हर दो हफ्ते में उस पानी को बदलते रहिए और आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगी। मेन चीज़ है कि मनी में स्टेबिलिटी नहीं आती, पैसे तो सभी कमाते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये चिप्स वाली रेमेडी मैंने आपको बता दी है जो कि आप मनी प्लांट में डाल करके अपनी मनी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मनी को स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं आखिरी में ये बताने वाला हूं कि इसको और एक मैजिकल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका मैजिकल यूजेस कैसे है कि या फिर आप डिविनेशन में या स्पिरिचुअल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चक्रा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको अपने रूट चक्रा, जो भी बैठने वाला आसन होता है, उसके नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, जो भी आप चैंटिंग्स कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें एक ताकत मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि हम पाठ करते हैं हमसे बैठा नहीं जाता या नींद आती है, तब आप इसको नीचे रख के बैठ के देखिए, आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा क्योंकि ये आपको इंटरनली बहुत ज्यादा ताकत देता है। खासकर जो फीमेल्स होती हैं जिनको आयरन की हमेशा कमी बनी रहती है या जो खूब खाते हैं फिर भी आयरन की कमी बन जाती है, उस केस में भी टाइगर्स आई का को हमेशा अपने पास रखने से या पीने वाले पानी में एक टंबल डाल के रखने से भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस इसका देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं, जब भी पीने वाले पानी में डालेंगे तो हमेशा रॉ चिप्स का इस्तेमाल करेंगे, पहनने और रखने के लिए आप पॉलिश वाले स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइगर्स आई को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फुल मून रिचुअल बताऊंगा, खास करके वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के अंदर मेहनत भी बहुत कर रहे हैं लेकिन समझ में भी सब कुछ आता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है या एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, ये ब्रेसलेट ले लेना है। ब्रेसलेट लेने के बाद में आप उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद चंद्रमा की रोशनी में एक रात के लिए रख दीजिए या एक दो घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद में उसे अगले दिन उस पानी से निकाल दीजिए और उस बच्चे को दे दीजिए। आप देखेंगे बच्चा नॉट ओनली टेस्ट आप उसका लेके देखिए, टेस्ट में भी वो अच्छा करेगा, प्लस में जो जितनी मेहनत कर रहा उसका उसे परिणाम भी मिलेगा। टाइगर्स आई की ब्यूटीफुल बात यह है कि ये ब्लेंड है ब्राउन एंड येलो का, जो कि बेसिकली इसका जो प्लैनेट है वो मार्स है, लेकिन ये ब्लेंड देता है जुपिटर और सैटर्न को बैलेंस करने का। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फोकस है कि ज्ञान और बुद्धि विवेक के साथ काम करती है, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा, इसको आप मंगलवार बुधवार और शनिवार को पहन सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली किस चीज पे, कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और हमें बताइए हमारे स्टोन्स की टेस्टिंग एबिलिटीज आपको कैसी लग रही है। आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। बाकी टेस्टिंग के लिए मैंने बता दिया, जैसे कि मैंने मैग्नेटिक स्टोन रखा तो ये मैग्नेट के ऊपर चिपक जाता है। सो दिस इज अ रियल टेस्ट ऑफ टाइगर्स आई। बहुत सारे लोगों ने पूछा टाइगर आई को कैसे टेस्ट करेंगे, तो ये टाइगर आई का टेस्ट है। आई होप आप ये चीज समझ गए हैं, आई होप आप लोग ये चीज समझ गए हैं। तो ये चीज को आप समझिए और चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, लाइफ में खूब सारी तरक्की कीजिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव नोट्स के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ।